ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 9 जुलाई शुक्रवार आज के वृश्चिक राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा, कई लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, इसलिए सामाजिक गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आज बेहतरीन दिन है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी नतीजे या फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो शांति रखें, सब ठीक हो जाएगा। साथ ही मेहनत से सफलता मिलने के योग हैं, कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। मनचाहे कामों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और साथ ही परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे। बिजनेस के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है, आप अपनी राय और बातों से आप ज्यादातर लोगों पर प्रभाव जमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज उलझे हुए कामों को सुलझाने में स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी, साथ ही आपके सोचने के तरीके में बदलाव हो सकता है, दोस्तों से मदद मिल सकती है और घर परिवार के काम निपटाने में मन लगेगा। अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखें, अपने समय और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करें, इससे आपको सफलता मिल सकती है। आज आपको अपनी नौकरी या बिजनेस के टारगेट पर पूरा ध्यान देना चाहिए, एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करें। नए व्यक्तियों से मुलाकात या दोस्ती होने के योग हैं, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार की मदद से ही आपकी आर्थिक समस्याएं सुलझ सकती हैं और समय पर आपके कामकाज पूरे हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। किसी को उधार देने से बचें, कोई पुराना उधार आपको टेंशन दे सकता है। नौकरी पैसा लोग संभल कर रहे, विवाद और प्रतिस्पर्धा से संभल कर और बचकर रहें और साथ ही आप कुछ कानूनी उलझनों में भी उलझ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ कर ही करें, दिखावे और आडंबर से ज्यादा दूर रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का स्वागत दिल खोलकर करें। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने रिश्ते को लेकर काफी मैच्योर होंगे और अपने प्रिय को कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। जीवन साथी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। आज व्यवसाय में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, व्यवसाय उन्नति की ओर अग्रसर होगा। धन लाभ का अच्छा अवसर है, अपने कार्य व्यवहार को उत्तम बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, कारोबार में धन लाभ होगा और व्यापार में उन्नति होगी। शेयर मार्केट से भी धन लाभ के योग है, परंतु सट्टे से दूर रहें और दूरी बनाकर रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं घर परिवार के बारे में। माता पिता से संबंध मधुर होंगे, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे और जीवन साथी से सहयोग और प्यार मिलेगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, घर परिवार में प्यार का माहौल बना रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। मौसम परिवर्तन की वजह से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आज स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य को और अधिक अच्छा रखने के लिए नियमित योग करें, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, मछलियों को खाना डालें और साथ ही चींटियों को मीठा डालें और माता लक्ष्मी को लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसके साथ ही 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। दोस्तों आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय लक्ष्मी माँ से लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।